तो बच्चों और हमारा एक काम रह गया है, कौन सा? हाँ, तो हमारी जो ये बुक है, हमारी कौन सी बुक है? हिंदी अक्षरमाला भाग अ। हाँ, तो इसमें हमारा सबसे लास्ट यानी कि आखिरी पेज रह गया है अब, है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 44 यानी कि 44 पेज नंबर पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? एक बड़ा सा ट्री है ना, बड़ा सा पेड़ है। और पेड़ हमारा क्या होता है? सच्चा दोस्त होता है ना? हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं? सेब दिए हैं, एप्पल्स। हाँ, और इसमें अलग अलग के रंग दिए हुए हैं, ठीक है? तो पहला कौन सा है? देखो रेड कलर का है, लाल कलर का। हाँ, उसके बाद है गुलाबी कलर का, उसके बाद है नीले कलर का, उसके बाद पीला है, उसके बाद चॉकलेटी कलर है ब्राउन कलर, उसके बाद है ऑरेंज कलर, हाँ केसरी रंग है, उसके बाद जामुनी कलर है, वॉयलेट कलर, हाँ, और उसके बाद है फिर से स्काई ब्लू कलर यानी कि नीले आकाश की तरह नीला कलर, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एप्पल दिए हैं कि सेब, और इन सेब को अच्छे से क्या किया है? कलर किया है। और हर एक सेब में अलग अलग का क्या है? वर्ण है। हाँ, तो देखो ए ओ औ आ ओ आ ई और यू। तो बड़ी ई के बाद कौन सा वर्ण है? यू। हाँ, तो इस पेड़ में भी कई सारे सेब है, है ना? हाँ, तो यहाँ पे जिस प्रकार जिस वर्ण के लिए जो कलर दिया है वही कलर आपको उस वर्ण में कलर करना है, ठीक है? यदि आप ए वर्ण होंगे तो ए वर्ण के सेब के लिए कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? लाल रंग का। तो यहाँ पे भी आपको लाल रंग भी लेना है इस सेब को, ठीक है बच्चों? तो ये बुक अभी आपको क्या करनी है? अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको स्टार चाहिए, है ना? हाँ, इसके बाद यदि आप वो बुक देखेंगे, हाँ, तो वो बुक में भी अभी हमारी पढ़ाई बहुत सारी हो चुकी है ना? हमारी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? पेज नंबर 19 तो। हाँ, तो देखो बच्चों यही पे क्या लिखा है? खाली पलों में सही स्वर लिखिए। जो हमारा वो बुक है इसमें आपको क्या करना है? जो खाली जगह है, खाली यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? वर्ण लिखने हैं, स्वर लिखने हैं, जो कि मैंने आपको सिखाए हैं, है ना? हाँ, तो मैंने कौन से वर्ण आपको सिखाए हैं? देखो अ से लेकर अ तक मैंने आपको वर्ण सिखाए। तो अ के बाद कौन सा स्वर आएगा आपको मालूम है? कौन सा आएगा? हाँ, उसके बाद छोटी ई दी हुई है, उसके बाद आएगी बड़ी ई। हाँ, तो इस प्रकार ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखो सिर्फ प्रेसिंग करना है, आपको खुद को कुछ नहीं करना, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ पेंसिल लेनी है और इन स्वरों को अच्छे से ट्रेस करना है। और हाँ, इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? तो ये जो इसके बाद यदि हम देखेंगे तो हमारा अगला वर्ण की पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन आज तक जो हमने पढ़ाई की है, जो वर्णों की हमने पहचान की है, इन वर्णों की अभी हम क्या कर रहे हैं? ये रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। तो ये आपको अच्छे से आपके बुक में करना है। कौन से बुक में करना है? बुक में, ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहीं तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? और अभी हमारे हिंदी की ओरल भी होने वाली है, हाँ, तो उसकी भी पढ़ाई करो, हाँ, ठीक है? तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई भी करो।